जो आप मेरे पीछे बस देखते हैं ये गुजरात से बस आई है। इसमें करीब करीब 60 लोग सवार है और 60 लोगों में करीब करीब 2 दर्जन औरतें भी शामिल है और बच्चे भी शामिल है। गुजरात बेस्ड टूर ऑपरेटर ने इनको यहाँ पर लाया है और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने फोन अपना बंद रखा है। अब जो यहाँ पर मुसाफिर इस गाड़ी में सवार गुजरात से यहाँ पर आए हैं, इनको पता नहीं है कि कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे और क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या देंगे और जो इनके साथ में ख्वातीन है उनको क्या खिलाएंगे। ये रात भर बिल्कुल इसी रास्ते पर खड़े रहे, ना इन्होंने कुछ खाया है ना पिया है, लेकिन कश्मीर जिंदाबाद और कश्मीरियत भी जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ पर अभी जब कश्मीरियों को पता चला तो कश्मीरी इनके रेस्क्यू के लिए आए, इनको पिलाया खिलाया और इनके लिए मदद भी करने जा रहे हैं। आपको पहले सबसे पहले दिखाएंगे ये बस है, आप देख सकते हैं कि ये बस गुजरात से आई है और गुजरात में ये बस यहाँ पर टूर ऑपरेटर ने यहाँ पर लाई है। अगरचि यहाँ पर ये बस बड़ी पड़ी है, 60 लोग, डबल स्टोरी बस है और इसमें 60 लोग सवार है और आप देखिए कि इनकी हालत क्या है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर किसी से बात करें जो इस बस में अभी मुसाफिर है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से है आप? मैं बड़ौदा गुजरात, अनिप भाई जी। हम लोग बस से यहाँ सफर कर रहे हैं। मामला बताइए पहले से लेकर अभी तक। हम लोग पहले गुजरात से जो निकले बराबर, सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं जोधपुर, जोधपुर से अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल वगैरह, हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम यहाँ श्रीनगर को लिए हम निकले, तो हम रास्ते में आए थे, हमारे जो मोहम्मद भाई करके हमारे जो टूर हमारे चाचा ही है, हम एक कोई पब्लिक प्लेस में नहीं आए, हम पूरी फैमिली वाले सब, वो जो टूर वाले भी ऑर्गेनाइजर है वो भी हमारे रिश्तेदार है, हमें उससे कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं है। पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि वहाँ जाएंगे तो अपने रूम होटल मिल जाएगी, पर यहाँ आने के बाद में हमको ऐसा पता चला कि यहाँ क्राउड ज्यादा है, रूम को हमको बराबर रूम का फोन उठाया उसने, किसने जिसने फोन उठाया, ये मोहम्मद भाई ने तो फोन उठाया ही था, पर उन्हों की मेहनत यही रही कि भाई मैं यहाँ रूम बुक करा लूंगा। पर हम लोग रात को घूमे तो कई जगह पे हम 13 रूम की हमको जरूरत थी, हमें 4, 5, 6 रूम मिलते थे, ज्यादा नहीं मिलते थे। फिर हम बस वाले ने नक्की किया, मुसाफिरों ने हमने नक्की किया कि भाई आज की रात ऐसा हो तो अपने हाईवे पे रुक जाते हैं, कल सुबह में कोई भी अच्छी सी होटल मिलेगी तो वहाँ अपने सेफ हो जाएंगे। तो इन्होंने वही से ऐसा ही किया, हमारे जो मोहम्मद चाचा है उनके हमारे रिश्तेदार भी है। आप आ गया, आप बताइए क्या मामला पेश है। सुबह 6 बजे मैं यहाँ होटल ढूंढने गया, 6 बजे होटल से है मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई मेरी बात सुनो, इन्होंने हमें, मेरा नाम मोहम्मद भाई है, सुबह 6 बजे होटल ढूंढने गया, अभी होटल मिला मुझे, मेरा एक दोस्त उसने साथ सागर दिया, बोले चलो होटल दिलाता हूँ, अभी होटल मुझे मिला तो पैसेंजर को रात को मैं ले गया था होटल पे, बट वहाँ आपको डोमेट्री रूम मिला, डोमेट्री। अभी जिस तरह से शिकायतें आ रही है कि उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया जिन्होंने आपको यहाँ पर लाया, वो गलत बात है। आप किसने फोन रखा था? मैं एजाज करके यहाँ पे, उसने बहुत साथ सागर दिया हमारा सर, रात को 11 बजे यहाँ गाड़ी पे लेने भी आया, अब भी हमारे साथ से गया, वो हमको होटल देवे, कैसा होटल देवे कि भाई इधर तो 3 रूम है उधर 4 रूम है, किचन नहीं बना सकते, खाना नहीं बना, बोला भाई हमको ऐसा नहीं चाहिए, एक ही जगह पूरा रूम मिले। कब से आप यहाँ पर बस में ही खड़े हैं? बस में करीबन रात को यहाँ सो गए, सुबह 6 बजे से मैं तपास करने निकल गया, 2000 रूपया तो मैंने, गलती किसकी है? गलती थोड़ी गलती इनकी भी है, थोड़ी गलती मेरी भी गलती है, बुकिंग नहीं की। कैसे भाई ऐसा जो मौला मिल जाएगी होटल यहाँ पे, ऑर्गेनाइजर से हम पैसेंजर से बात करेंगे। आप बताइए क्या मामला पेश आया था? मामला में ऐसा है कि हम लोग वहाँ से आए थे गुजरात से जोधपुर, तो सब ठीक ही था, अच्छा ही था, और कश्मीर की बहुत तारीफ होती है, और कश्मीर के लिए हम क्या कहा, 50-60 इंसान इधर आए और कश्मीर में क्या अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन इधर कल रात को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो हमारा ऑर्गेनाइजर है और हमने ही ऐसा बोला था कि भैया अभी यहाँ पे नाइट कर लो, फिर कल सुबह में तुम अच्छी से व्यवस्था कर देना। और ये कश्मीर के लोग के सोसाइटी है, उन लोगों ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है, हमारी लेडीज को घर पे ले गए नहाने का। गलती किसकी है? गलती आपको रात भर यहाँ ही रखा। अच्छा, रात भर इसमें रे, गलती उनकी भी नहीं है, हमने ही ऐसा किया था, हमने ही बोला था कि ये ना हमको अच्छा नहीं लगा, हमारा फैमिली वाला रूम है, हमारे को लेडीज है, हमारे हम चाहेंगे कि बात करें यहाँ पर।
से आप हैं? सर गुजरात से ही सब है। बताइए क्या मामला पेश आया था? बस यही है, होटल का लोचा है बस। अच्छा। वो होटल का ये है कि कहीं बुक करा था मगर अभी कैंसिल हो गया, क्या पता वही बोल रहे हैं। गलती किसकी है? अभी देखो जो ऑर्गेनाइजर है उनका भी है थोड़ा प्रॉब्लम। ये है कि अभी बुकिंग ही नहीं है तो क्या बोले हम? वो बोल रहे हैं कि बुकिंग किया था मगर नहीं। गुजरात में कहा गया था कि आपकी बुकिंग हो गई है? हाँ, वहाँ से तो बोला था ना, 15 दिन का टूर है हमारा। अच्छा। उसमें सब वो तो तकरीबन 20-30 साल से कर रहे हैं। हाँ। ये पहली दफा है कि कुछ लोचा किया। लोचा हो गया। अब वो तो उनसे ही था उसने जो आप जो बीच में था वही तो हमें नहीं पता है ना। वो उनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो मेन चीज वही बता पाएंगे हमें। तो किसकी बात आप कर रहे हैं? ये है ना हमारे मोहम्मद भाई। हाँ, इन्होंने बताया कि हम जो बस में सवार है इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे अंदर ताकि हम देखें कि गलती किसकी है। ये बस है और इसमें आप देख सकते क्या क्या मामला पेश आया था, क्यों आप यहाँ पर खड़े हैं? अरे हमको तो मालूम है, हम तो ऑर्गेनाइजर साथ हम तो उधर आए थे। अच्छा। रात को बोला कि बस अपना बुकिंग किया होटल पे। जब होटल पे जब हम आए ने तब पता लगा के उसने पैसे दिए थे पर लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। और रात को 12 बजे हम कहा फोन नहीं रिसीव किया वो होटल वो बोला हमारे जो ऑर्गेनाइजर है कि उसने बोला कि रूम तो भी ये नहीं है कि पछी हमने भी बोला भी रात को कहाँ जाएंगे वो बच्चे भी बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। वो बोला कि रात को उधर से हम आए। हमको रात को उधर आए तो डर भी हमको लगते थे क्योंकि हम तो अनजान आदमी थे। अभी क्या बता रहे हैं आपको? हम तो अभी बोलता है कि भाई अरेंजमेंट हो रहा है, एजेंट हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो हेल्प किन्होंने की आपकी? वो ऑर्गेनाइजर भाई ने। अच्छा। हाँ, मैंने सुना कि कोई कश्मीरी भी आया है, कुछ कश्मीरी उन्होंने भी आपकी मदद की है? आये भाई हमारे उधर था क्योंकि हमारे कोई पहचान वाले उधर था नहीं। हमको लेटरिया का जाने का पानी भी नहीं मिला था। वो हमारे सामने एक भाई अपना था कश्मीरी भाई, तो सबको लेके उधर गए, उसको पानी बन दिया और टॉयलेट भी किया। उसने मदद अच्छी मदद की। क्या चाहेंगे आप? मैं तो बोलता हूँ कि जो सत के साथ जो गद्दारी की तो सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएंगे कुछ कहाँ से? हमने हमारी हम भी गुजरात से ही है और कल रात को हम यहाँ पर आए कश्मीर में, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अच्छा, दूसरे नंबर से भी फोन वो जो अंकल थे ना होटल वाले जिनके अच्छा, जी पेमेंट किया था जी। उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, दूसरे के नंबर से भी फोन रिसीव करते ही नहीं थे। अब इतने 1:15 बज गया था, अब इतनी सारी पब्लिक का तो कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो हम सबकी मर्जी से हमने बोला है कि हम यहाँ पे स्टे हो जाते एक रात के लिए। यस, हमने सबकी मर्जी ली थी और ऑर्गेनाइजर का भी कुछ मसला है नहीं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए थे पर उन्होंने फोन बंद कर दिया था। अच्छा। अब वहाँ पर होटल में रूम थे अवेलेबल, अरेंजमेंट हुआ अभी हो गया है। वो सुबह के 7 बजे 6 बजे से निकले हैं, अभी वो अरेंजमेंट करके ही आए वापस। और अच्छा सा ही अरेंजमेंट था सब। वो जोधपुर में भी 3-स्टार होटल थी, वहाँ पे भी एसी का उन्होंने बोला नहीं था पर उन्होंने वहाँ पे भी एसी रूम दिया और फिर अमृतसर में भी एसी रूम दिया। उनकी खाने की सर्विस सब कुछ अच्छा है पर ये किस्मत का खेल है कि उसने फोन नहीं उठाया। चले शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने आपने देखा कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती है और डिफरेंट स्टेटमेंट्स में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजर का भी कोई दोष नहीं है। जो यहाँ पर इनको बुकिंग के लिए कहा गया था उन्होंने कल फोन नहीं उठाया और रात भर ये जो गाड़ी है जो गुजरात से आई है इन्होंने रात भर यहाँ ही क्याम किया। और लेकिन इस तरह के मामला पेश नहीं आने चाहिए। अगर से यहाँ पर बताया जाता है कि टूरिस्ट्स के लिए कश्मीरी पेश रहते हैं और हमने भी देखा कि अभी यहाँ पर इनकी मदद के लिए कश्मीरी ही आया है, लेकिन गलती किसकी है ये रेक्टिफाई करने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के मामला जब पेश आते हैं तो ये नेगेटिव और मनफी असरात यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के लिए डाले जाते हैं। और उसमें हमने देखा कि टूरिस्ट फ्लो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें आज ये घटना ये क्या दर्शाता है ये बखूबी आपको पता है और उसमें ये किसकी गलती है ये जरूरी देखने वाली बात होगी। फिरदौस लाइव जानन मानी, जेके न्यूज़ रिसर्च नगर।